किसी ने कहा था कि स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड के बैक बोन में इन्वेस्ट करना। सही भी है, हर चीज में स्टील यूज होती है, बिल्डिंग से लेकर सड़क तक, राइट है ना, कोई ना कोई स्टील का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ऐसी ही एक स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर एनालिसिस कीजिए, और आप अगर रिक्वेस्ट करें और हम पूरा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज की वीडियो आप ही के डिमांड पर बनाई जा रही है, और साथ में बता दूं कि किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, बस आपकी डिमांड पर एनालिसिस किया जा रहा है जिससे आप सीख सकें। इसलिए प्लीज़ सिर्फ टाइटल में शेयर का नाम देखकर बाय ना करें, पूरा वीडियो देखें, एनालिसिस समझें और फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लें तब कुछ करें। हम लोग कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल, रिसेंट अनाउंसमेंट तक सब कुछ समझेंगे, और ये स्टॉक आपको के लिए एक बेंचमार्क होगा दूसरे स्टॉक की भी एनालिसिस में हेल्प करने के लिए। इसे सीट की बेल्ट बांध लीजिए। अगर आप डेली बेसिस पर स्टॉक के लेवल या न्यूज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, सीरियस लर्नर हैं, जो हर वक्त कुछ सीखते हुए पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलती हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं, आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ GTL इंडस्ट्री की। 28 मार्च 2023 से 13 अप्रैल 2023 तक 10 ट्रेडिंग डे में 24% का रिटर्न दिया। तभी तो भैया सब लोग पूछने लग गए चल क्या रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। GTL इंडस्ट्री स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप, सोलर स्ट्रक्चर, स्कैफोल्डिंग पाइप, रोड क्रैश ETC, ये सभी अलग अलग तरह के पाइप होते हैं जिसका इस्तेमाल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, रोड साइड बैरियर, सोलर पैनल सपोर्ट और कई इंडस्ट्री जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, ग्रीन हाउसेस, केमिकल, साइन पोस्ट, ऑटोमेटिव के प्रोडक्ट बनाने में होता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो JTL के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे 400,000 मेट्रिक टन पर एनम मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी के पास 300 से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कुछ मेजर क्लाइंट देखें तो टाटा पावर, महानगर गैस, HPCL, सुजलॉन, अशोक लेलैंड, IGL जैसे हैं जो इनके क्लाइंट हैं। ग्लोबली कंपनी 20 कंट्री में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है, ज़्यादातर UK, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूथोपिया, ऑस्ट्रेलिया में इसके क्लाइंट हैं। लोकेशन वाइज रेवेन्यू 87% इंडिया से आता है, 13% रेवेन्यू अदर कंट्री से आता है। कुछ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान को देखें तो कंपनी मंगाओ प्लांट में 100,000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है। इसके अलावा 100,000 MTPA मंडी गोविंदगढ़ प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है। कंपनी के मुताबिक 2023 एंड तक कंपनी की कैपेसिटी 400,000 MTPA से बढ़कर 600,000 MTPA हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी हुआ है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल यहां तक हम लोग कंपनी के बिजनेस कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लोकेशन वाइज रेवेन्यू, क्लाइंट, बिजनेस एक्सपेंशन को समझ चुके हैं। अब फाइनेंशियल। 5 ईयर का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 54%, 5 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 109%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 20.6%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 55.8%, ROE है 42.9%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 35.7%, ROCE है 39.2%, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 32.3%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.52, मतलब कर्ज है मगर कंट्रोल में, कैश साइकिल है 66 डेज, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने के 66 दिन के बाद कंपनी के पास कैश आता है, और इस इंडस्ट्री का कैश साइकिल है 96, मतलब कंपनी अपने इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म कर रही है। होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 56.26% है, FII के पास 0.52% है, DII के पास 1.41% है और पब्लिक के पास 41.82%। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जून 2020 में प्रमोटर होल्डिंग था 71.94%, अभी है 56.26%, मतलब परसेंटेज वाइज 21.79% घटी है प्रमोटर होल्डिंग, जो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ तक फाइनेंशियल समझ चुके हैं। एनुअल क्वार्टर परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो सही दिख रहा है, बस प्रमोटर होल्डिंग घटी है, ये टेंशन की बात है। अब देखते हैं वैल्यूएशन को। तो पी रेशियो है 31.7, इंडस्ट्री पी है 19.1, मतलब शेयर ओवर प्राइस्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.51, मतलब शेयर का प्राइस अपने बुक वैल्यू से 10.5
टाइम कॉस्टली है और इस इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.26, मतलब यहाँ भी ओवर प्राइस्ड, दोनों वैल्यूएशन रेशियो पर ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ तक कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल वैल्यू को समझ गए। अब टाइम है ये जानने का कि आखिर 28 मार्च को ऐसा क्या हुआ जिससे शेयर में तेजी हुई। तो 31 मार्च 2023 को कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि JTL इंडस्ट्री चेतन इंडस्ट्री के साथ एमलगेशन करने का प्लान है, मतलब दोनों कंपनी मिलके एक न्यू कंपनी बनाएगी। इस एमलगेशन के लिए NCLT का अप्रूवल भी मिल गया है। चेतन इंडस्ट्री स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। दोनों जब एक हो जाएगा तो कैपेसिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगा, तो एक ये गुड न्यूज़ है जिसकी वजह से शेयर में तेजी आई। इसके बाद 3 अप्रैल 2023 को कंपनी ने अपना क्वार्टरली परफॉर्मेंस सेल वॉल्यूम अपडेट किया, जिसमें JTL ने बताया कि कंपनी न्यू हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल वॉल्यूम अचीव किया है और कंपनी का सेल वॉल्यूम क्वार्टरली बेसिस पर 23.06% ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में सेल वॉल्यूम 10.87% बढ़ा है। इसके अलावा Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक्सपोर्ट सेल वॉल्यूम भी 63.39% बढ़ा है। इतना ही नहीं, कैपेसिटी भी एक्सपेंड हुआ है, जिससे 1.5 लाख टन कॉयल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, 1 लाख टन स्टील ट्यूब पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है। कंपनी ने भी इन्फॉर्म किया है कि अब कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5,86,000 MTPA हो गई है। इसके बाद 17 अप्रैल को कंपनी ने बताया कि अब JTL का शेयर NSE में भी लिस्ट होगा। अब तक कहाँ था? BSE और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में था, तो ये भी गुड न्यूज़ हो गई। तो ये सारी गुड न्यूज़ होने से स्टॉक में तेजी हुई। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कंपनी को, कंपनी क्यों भागा इसको। तो ये किसी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं, बस आपकी डिमांड पर हमने बनाया जिससे आप चीज़ों को समझ सकें, जान सकें और इस बेसिस पर किसी भी दूसरे शेयर की एनालिसिस कर सकें जब भी आपके दिल में कोई भी शेयर आता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।